हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो किस्सा शेयर करने वाला हूं जब ही मैन धर्मेंद्र साहब ने हेमा मालिनी जी के साथ रोमांस करने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका इजाद किया था। हालांकि ये तरीका अलग होने के साथ साथ थोड़ा महंगा भी था। जैसा कि हम सब जानते हैं, धर्म जी की शादी उनके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्हें प्यार पहली बार हेमा जी के साथ हुआ। हेमा जी के साथ धर्मेंद्र साहब ने यूं तो कई फिल्में कर ली थी, लेकिन शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। वैसे तो इस अफेयर को लेकर धर्मेंद्र पर कोई पाबंदियां नहीं थी, लेकिन एक चर्चा हमेशा रहती कि शादीशुदा होते हुए भी धर्मेंद्र हेमा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो यही समस्या हेमा के परिवार को भी थी। उनका परिवार दक्षिण भारतीय था। संस्कार से लेकर सोचने और शादी ब्याह के तरीके तक में उनका दक्षिण भारतीयपन दिखता था। परिवार इस बात के सख्त खिलाफ था कि हेमा पंजाबी पृष्ठभूमि वाले धर्मेंद्र के करीब आए। अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं में धर्मेंद्र और हेमा के बीच अफेयर के गॉसिप छपने की रफ्तार जब तेज होती गई, तो हेमा के परिवार से जुड़ा कोई ना कोई हेमा की फिल्मों की शूटिंग पर भी पहुंचने लगा। कभी माँ, कभी मौसी, तो कभी नानी। धर्मेंद्र वैसे भी हेमा से शूटिंग के बाहर कहीं नहीं मिल पाते थे। अब शूटिंग के दौरान भी उनका हेमा से मिलना जुलना बंद हो गया। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह के पहरे के बीच शूटिंग करते थे। अब अपने धर्मपाजी ने इसका एक नया तोड़ निकाला। इन जिन फिल्मों में वो हेमा के साथ शूट कर रहे होते, उन फिल्मों के कैमरामैन को वो पटा लेते। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हों, इसलिए वो कैमरामैन को खास निर्देश देते थे कि उस शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता, तो कभी कोई और वजह बताता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड ईजाद कर लिया था। जब सीन को रीटेक कराना होता, तो वो हौले से अपने कान छू लेते। इसी तरह जब उन्हें सीन को ओके कराना होता, तो वो अपनी नाक को सहला लेते। बताया जाता है कि धर्मेंद्र को एक सीन को दोबारा रीटेक करवाने के लिए कैमरामैन को 100 रुपए की रिश्वत देनी होती थी। यानी कि अगर एक सीन 5 बार शूट हुआ है, तो धर्मेंद्र कैमरामैन को 500 रुपए चुकाते। धर्मेंद्र ये सब खुशी खुशी कर रहे थे। शोले फिल्म में जब धर्मेंद्र हेमा को पेड़ से आम तोड़ने वाला सीन सिखा रहे होते हैं, तो उन्होंने उस सीन को 10 से अधिक बार रिटेक कराया। यानी उस जमाने में कैमरामैन को अपनी इस दिल्लगी के लिए 1000 रुपए चुकाए। हेमा धर्मेंद्र की ये शरारत समझती थी और वो चुपचाप बिना कुछ कहे शॉट दिए जाती थी। हेमा की माँ या नानी, जो कि शूटिंग में कई दफा होते हुए भी अपनी आँख के सामने ये सब होता हुआ देखने के लिए मजबूर हो जाती, और धर्मेंद्र सबकी आंखों के सामने ही हेमा से रोमांस कर लेते। तो दोस्तों, ये था धर्म जी की शरारत का वो किस्सा जो वो फिल्म के सेट पे हेमा जी के साथ करते थे। वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।